दोस्तों आज मेरा 87th डे है मेरे 90 डेज चैलेंज का और कुछ ही दिनों बाद मेरा ये 90 डेज चैलेंज पूरा हो जाएगा। खैर Realme की तरफ से एक और नया 5G फोन लॉन्च हो चुका है और Realme का कहना है कि ये अब तक का हमारा सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है क्योंकि इसके अंदर हमने दी है 24GB की रैम। हाँ 24GB रैम के साथ ये फोन आएगा और ये फोन है Realme GT5। इंडिया के अंदर अभी ये फोन लॉन्च नहीं होगा, फिलहाल अभी ये फोन चाइना में और अदर कंट्रीज के अंदर लॉन्च हुआ है। इंडिया में ये फोन अक्टूबर के महीने में तो बहुत ही मुश्किल है, नवंबर या फिर दिसंबर के शुरू में ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। अक्टूबर में किसी भी हालत में ये फोन इंडिया में नहीं आएगा, यानी कि इसे अभी इंडिया में लॉन्च होने में काफी टाइम है। लेकिन आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोज काफी सारे फेमस टेक यूट्यूब चैनल्स पर देख चुके होंगे, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी, टेक्नो रोहेज और भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया टेक चैनल है, उन्होंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी है क्योंकि उन्होंने अपने काफी सारे जुगाड़ से चाइना से ये फोन अपने पास मंगा लिया है। 24GB की रैम इस Realme GT5 के अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अलावा एक और खास बात है, वो ये कि इसके अंदर 240 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा, वो भी बॉक्स के अंदर ही। हाँ तो ये चीजें कुछ इस फोन को खास बना देती है। प्राइस और वेरिएंट्स के बारे में बात करूँ तो इस Realme GT5 के हमें दो टाइप के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक जिसके अंदर 240 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा और दूसरा वेरिएंट जिसके अंदर 150 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा। यानी कि जो 240 वोल्ट का चार्जर मिलेगा जिस फोन के साथ, उसके अंदर हमें 4600 mAh की बैटरी मिलेगी और जो दूसरा वेरिएंट है 150 वोल्ट वाला, उसके अंदर हमें 5250 mAh की लगभग बैटरी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली प्राइस भी दोनों की अलग अलग रहेगी, जैसे कि 24GB और साथ में 1 TB का स्टोरेज हमें देखने को मिलेगा और ये सिर्फ एक ही वेरिएंट है, 24GB प्लस 1 TB। इसकी प्राइस रहेगी लगभग 42,000 से 44,000 के बीच में। और वहीं 150 वोल्ट वाले इसके अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 12GB 256GB, जिसकी प्राइस लगभग 34,000 रुपए के आसपास रहेगी और दूसरा वेरिएंट 150 वोल्ट चार्जर वाला ही, वो 16GB 512GB वाला रहेगा, जिसकी प्राइस लगभग 37,000 रुपए के आसपास रहेगी। यानी कि इसका मतलब है कि इंडिया में इस फोन की प्राइस हमें वही लगभग 50,000 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन 50,000 मैं कहूँ तो प्राइस थोड़ी सी हाँ काफी ज्यादा है। अगर कंपनी चाहे तो कोशिश कर सकती है इसको भी लगभग 44 या फिर 42,000 रुपए के आसपास इंडिया में लॉन्च करने की। अगर ऐसा करती है तो हाँ ये फोन काफी फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में। और स्पेसिफिकेशंस मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला 5G प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर पर काम करता है। साथ ही LPDDR5X रैम, UFS 4.0 का सपोर्ट, Realme UI 4.0 के साथ Android 13 मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो और फ्रंट के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली 4K के अंदर आप कर पाएंगे और साथ ही साथ इस फोन के अंदर 6.74 इंच की एक फुल HD प्लस वाली OLED डिस्प्ले मिलेगी, वो भी 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी लाजवाब मिलेगी, ऑब्वियसली प्राइस जब इतनी है तो फीचर्स तो काफी लाजवाब मिलने ही हैं। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली वो भी मिल जाएगा। खैर ये वीडियो मैंने आपको फीचर्स के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं बनाई है, प्राइस और वेरिएंट्स और लॉन्च डेट के बारे में आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बनाई है मैंने। अगर फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलकर आप चेक कर लेना, मैं सारे के सारे फीचर्स की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।